आदिलाबाद जैसी शहर, हमारे तेलंगाना जैसे रियासत जहां पे अमन, भाईचारा, खुशहाली के साथ पिछले 10 साल केसीआर साहब के सदारत में, जब केसीआर साहब हमारे वजीर आला थे, हमारे चीफ मिनिस्टर थे, किस कदर हम लोग साथ थे आपको याद है। केसीआर ने कभी भी मजहब के नाम पे सियासत नहीं किया, इंसान को इंसान की तरह देखा, हर किसी को साथ लेके चले। केसीआर केसीआर साहब एक ही चीज में विश्वास रखते थे, कभी मखदूम मईउद्दीन ने कहा, हयात लेके चलो, खायनात लेके चलो, चले तो चलो सारे जमाने को साथ लेके चलो। गरीब को गरीब की तरह देखा केसीआर ने, इंसान को इंसान की तरह देखा, कभी मुस्लिम कभी हिंदू ऐसे नहीं देखा। इसीलिए हमारे हिंदू बहन को अगर कभी बदकम्मा के दौरान साड़ी दिया, तो हमारे मुस्लिम बहन को रमजान के वक्त तोहफा दिया, हमारे क्रिश्चियन बहन अगर है तो उनको क्रिसमस गिफ्ट दिया। वैसे ही पिछले 10 साल में अमन और भाईचारे के साथ हर जगह भाई भाई के साथ हर किसी को मजबूत करने की कोशिश हमने की। बच्चों के वास्ते तालीम 204 स्कूल आपके वास्ते तश्कील किए गए, जिनमें 1,32,000 बच्चे, एक एक बच्चे पे, एक एक बच्ची पे आज 1,20,000 खर्च करके आपके बच्चों की अच्छी जिंदगी के वास्ते, आपके बच्चों की बेहतरीन काबिलियत के वास्ते केसीआर साहब ने जिद्दोजहद की। मैं भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूं, आप बहक ना जाओ, कांग्रेस के बातों में, बीजेपी के बातों में ना जाओ, तेलंगाना के वास्ते एक पिता समान, एक बाप समान जो लीडर है हमारे केसीआर, ऐसे लीडर को हम खो गए, आज हर किसी के दिल में गम है। इसीलिए मैं कहता हूं, आगे जाके जब भी मौका मिले, जब भी फिर एक बार एकजुट होने की एक मौका अगर आए, तो फिर एकजुट होते हैं, एक साथ चलते हैं। आपके जैसे सेक्युलर लीडर, जोगू रामन्ना साहब के जैसे सेक्युलर लीडर जो है, उनको भी जरूर फिर एक बार जिताना हमारी जिम्मेवारी है।